अपनी जिंदगी के बदले में मैं सुल्तान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दूं। चीचा, जब से आया हूँ मंजुलिका सुने जा रहा हूँ, कमिंग टू गेट यू मंजू। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म भूलभुलैया 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस की इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग ले ली है और बॉलीवुड की सभी फिल्मों को पीछे करते हुए कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर फिल्म साबित हो चुकी है। इस फिल्म ने दोस्तों RRR जैसी बड़ी फिल्म के हिंदी फुटफॉल्स को भी पीछे कर दिया है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि भूलभुलैया इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन कितनी बड़ी ओपनिंग ले चुकी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं भूलभुलैया 2 के 2 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। बात करने वाले हैं दोस्तों कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ के शुरुआती 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और जानने वाले हैं दोस्तों कि KGF चैप्टर 2 अपने 38 दिनों में कितने करोड़ की कमाई कर चुकी है और क्या अक्षय कुमार सर की फिल्म पृथ्वीराज चौहान इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भूलभुलैया 2 की ही तरह एक बंपर ओपनिंग ले पाएगी या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश, सुपरस्टार संजय दत्त, अक्षय कुमार सर और कार्तिक आर्यन के डाहट फैंस से, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म धाकड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसने कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 19 से कहीं कम कमाई की है और बॉक्स ऑफिस इतिहास की वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर फिल्म साबित होने जा रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि रजनीश घई के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म धाकड़, जिसके लीड में आपको कंगना रनौत, अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता नजर आई है। लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म के सामने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 भी थी। दोस्तों बताते चले आपको कि धाकड़ की जो एडवांस थी वो 2 दिन पहले ही शुरू की गई थी और इस फिल्म ने एडवांस में 1 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर ली थी। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि धाकड़ को कल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 19 से कहीं कम ओपनिंग मिली है और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए हैं। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वह भी लगभग 1.5 करोड़ का ही रहा है। उम्मीद थी दोस्तों कि धाकड़ फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 4 से 5 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले लेगी, लेकिन दोस्तों कंगना के इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं मिला और यह फिल्म दोस्तों अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हो रही है। हालांकि दोस्तों आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 2रा दिन है और आज इस फिल्म को मिले हुए पॉजिटिव रिव्यूज की वजह से दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन है उसमें लगभग 20% की ग्रोथ देखी जा रही है। हालांकि दोस्तों आज भी इस फिल्म की जो ग्रोथ है वो कुछ खास नहीं है और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के आज के कलेक्शंस लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म अपने शुरुआती 2 दिनों में 3 करोड़ रुपए की कमाई ही इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर से कर चुकी होगी और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप बन रही होगी। बात की जाए दोस्तों यहां पर दूसरी फिल्म यानी कि भूलभुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसने कि अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और 2022 में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 2, जिसके लीड में आपको कार्तिक आर्यन, ब्यूटीफुल कियारा आडवाणी, तबू और राजपाल यादव नजर आए हैं। लगभग 70 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3200 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 3900 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। अपने पहले ही दिन दोस्तों इस फिल्म को 7.5 करोड़ रुपए की शानदार एडवांस हासिल हुई थी, जो कि एक तरह से इस साल की वन ऑफ द बेस्ट एडवांस है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म को कल मॉर्निंग में ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग ऑक्यूपेंसी हासिल हुई। क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज दिए। साथ ही साथ दोस्तों ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म बताया गया। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग हासिल की और RRR जैसी बड़ी फिल्म के हिंदी फुटफॉल्स को पीछे करते हुए इस फिल्म ने अपने पहले दिन 14 करोड़ 11 लाख रुपए की ओपनिंग इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर ले ली है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो भी 16 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने में कामयाब रहा, जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म कार्तिक आर्यन के कैरियर की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है और लव आजकल 2 को भी पीछे कर चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि कार्तिक आर्यन की इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। यही वजह है कि ये फिल्म आज अपने 2रे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7.5 करोड़ से ज्यादा की एडवांस हासिल कर चुकी थी। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी दोस्तों आज इस फिल्म की 25 से 28% की थी। आफ्टर
अफ्टरनून और इवनिंग में दोस्तों इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 40% से ज्यादा की रही। वहीं दोस्तों नाइट में इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो 70% से ज्यादा अच्छी चल रही है। यानी कि दोस्तों ये फिल्म आज इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर तो लगभग 17 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज का कलेक्शन 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये फिल्म अपने शुरुआती 2 दिनों में लगभग 37 से 38 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी होगी और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी होगी। इस फिल्म ने दोस्तों सलमान खान की फिल्म अंतिम के फर्स्ट वीक कलेक्शन को सिर्फ 2 ही दिनों में पीछे कर दिया है और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अब KGF चैप्टर 2 के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिससे कि रिलीज किए आज 38 दिन हो चुके हैं और इन 38 दिनों में दोस्तों KGF चैप्टर 2 ने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म KGF चैप्टर 2, जिसे कि बॉक्स ऑफिस पर 14 अप्रैल को रिलीज किया गया था, इस फिल्म ने दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन तो एक हिस्टोरिकल ओपनिंग ली थी और 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई सिर्फ इंडिया से कर ली थी। वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही थी। इस फिल्म में दोस्तों रॉकिंग स्टार यश के स्वैग, उनके एक्शन को काफी पसंद किया गया। इस फिल्म का एक्शन, इस फिल्म के एडिटिंग, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी काफी दमदार रही। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए ऑडियंस की भीड़ लग गई और इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में 750 करोड़ रुपए कमाए। अपने दूसरे हफ्ते में ये फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी थी। साथ ही साथ दोस्तों अपने तीसरे और अपने चौथे हफ्ते को मिलाकर इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो 1172 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुके थे। अपने पांचवें हफ्ते में भी दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और इस फिल्म के जो अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने पांचवें हफ्ते के निकल कर आए हैं, उस हिसाब से दोस्तों ये फिल्म 1210 करोड़ रुपए की कमाई अपने शुरुआती 5 हफ्तों में कर चुकी है। ये इस फिल्म का दोस्तों 6ठा हफ्ता है और इस हफ्ते के कलेक्शन भी इस फिल्म के काफी शानदार आ रहे हैं और इस फिल्म ने दोस्तों अपने 37वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जहां 3 करोड़ रुपए की कमाई की है, तो वहीं दोस्तों आज अपने 38वें दिन भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो लगभग 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का टोटल 1216 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा और रॉकिंग स्टार यश की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। हिंदी में दोस्तों इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 434 करोड़ रुपए के आंकड़े को नेट में पार कर चुका है। जल्द ही दोस्तों ये फिल्म 450 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने वाली बाहुबली 2 के बाद दूसरी फिल्म बन जाएगी। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अब अक्षय कुमार सर की फिल्म पृथ्वीराज चौहान के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और इस फिल्म के बजट के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यशराज फिल्म के द्वारा बनाई जा रही पृथ्वीराज हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जिसके लीड में आपको बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार महाराज पृथ्वीराज के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। उनका साथ दिया है दोस्तों इस फिल्म में ब्यूटीफुल मानुषी छिल्लर, संजय दत्त, सोनू सूद और मनोज जोशी ने। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म के ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल चुका है। हालांकि दोस्तों कुछ लोगों ने अक्षय कुमार के कैरेक्टर को लेकर काफी क्रिटिसाइज किया है, लेकिन दोस्तों बता दें आपको कि अक्षय कुमार से ज्यादा फिट एक्टर फिलहाल में बॉलीवुड में कोई भी नहीं है और यही वजह है दोस्तों कि अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर को बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म के टीजर और ट्रोल तो दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर को काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल चुका है। गाने दोस्तों इस फिल्म के क्लासिकल और बेहद ही शानदार है जो कि आपके कानों में हमेशा के लिए गूंजने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के जो लुक्स और इस फिल्म के जो प्रोमोज रिवील किए जाने हैं वो भी ऑडियंस को काफी पसंद आएंगे। यही वजह है दोस्तों कि अक्षय कुमार सर की फिल्म पृथ्वीराज चौहान इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4200 स्क्रीन पर रिलीज होकर अपने पहले ही दिन लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग आसानी से लेने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने लाइफ टाइम में 350 से 400 करोड़ रुपए की कमाई आसानी से करने वाली है और दोस्तों बॉक्स ऑफिस इतिहास की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। जिस तरह के दोस्तों इस फिल्म के गाने और इस फिल्म के टीजर दिखाए जा रहे हैं, उम्मीदें हैं दोस्तों कि इस फिल्म के कलेक्शंस बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कहीं ज्यादा आएंगे। आपको दोस्तों क्या लगता है कि अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और क्या आप भी इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? हमें अपनी राय